So, hey guys, welcome to my YouTube channel. तो आपका स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो के अंदर. तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना बैकग्राउंड किसी भी फोटो का किस तरीके से चेंज कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बस 2 मिनट कर. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. सबसे पहले आपको अपना पिक्सार्ट ओपन कर लेना है. आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं PICSART पिक्सार्ट. सो आपको उसके बाद से यहाँ पर स्टार्ट एडिटिंग में जाके सबसे पहले आपको कलर बैकग्राउंड अपना सेलेक्ट कर लेना है. तो मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ. ये ब्लू जैसे ब्लू नहीं है पर लाइट ब्लू मैं सेलेक्ट. इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं या फिर सेम उसे रिवर्स में रख सकते हैं. तो आपको नीचे में कई सारे ऑप्शन दिखाई देगा, उसको थोड़ा सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन नज़र आएगा एड फोटो वाला. सो आपको उसी पर क्लिक करना है सिंपली से. उसके बाद आपको फोटो ले लेना है. आपको जिस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उसी फोटो को लेने के बाद आपको ऊपर राइट साइड में एड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है. तो आपका वो फोटो बैकग्राउंड में ओपन हो जाएगा बैकग्राउंड आपके कलर के साथ. उसके बाद से आपको पर्सन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है इरेज़ में दबाने के बाद. उसके बाद देखिए आपका चला गया है बैकग्राउंड काफ़ी और थोड़ा बहुत रह जाता है. उसको आप जूम इन जूम आउट करके यहाँ पर इरेज रिस्टोर कुछ भी कर सकते हैं. पहले मैं थोड़ा इरेज करूँगा यहाँ पर साइज थोड़ा छोटा बना के. तो ये अच्छा से इरेज हो चुका है, होना का नहीं हुआ था उसे मैं इसे छोटा करके करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं. अगर नहीं हुआ तो इसे मैं जूम करके करूँगा फिर से. यस कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल. देखिए काफ़ी इरेज हो चुका है, मैं इसे थोड़े पहले रिस्टोर करूँगा. जो देखिए यहाँ पर ये जो एयर का जगह होता है कान का वो थोड़ा अंदर जा चुका है, मतलब कुछ ज़्यादा इरेज है. उससे पहले मैं रिस्टोर करूँगा, उसके बाद हल्के से इरेज करूँगा साइज छोटा करके उसे भी. पहले ये रिस्टोर हो चुका है, उसके बाद यस करूँगा. अब थोड़ा होने का साइज इरेज हो रहा है. सो आप किसी तरीके से कर सकते हैं किसी भी फोटो का. पहले आपको पर्सन सेलेक्ट करने के बाद आपको सीधा सीधी बैकग्राउंड बड़ा खासा चेंज आएगा. उसके बाद से आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोटो को एडजस्टमेंट कर लेना है. आप यहीं पर से भी क्रॉप कर सकते हैं फोटो को. तो अगर आप यही सेव करना चाहते हैं तो आपको ऊपर में वही राइट वाले ऑप्शन क्लिक कर लें. उसके बाद गैलरी वाले ऑप्शन का सेकंड जो है उसमें उसके बाद फ्रेंड से आपको सेट गैलरी हो जाएगा. फोटो उसके बाद डन कर दीजिए. सिंपली से आप देख करके अपना गैलरी खोल के देख सकते हैं, वहाँ पर आपका फोटो आ चुका है. मेरा फोटो आ चुका है. तो इसे मैं यहाँ से क्रॉप करके दिखा भी सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं. तो पासफोटो के लिए ये मैं बना रहा हूँ. ये ऊपर में थोड़ा सा बाल रह गया, इसे मैं ये बार ऐप से कर लेता हूँ. अपना ऐप से नहीं कर इरेजर मिल रहा है अपना, उसी से इरेज भी कर सकता हूँ. ब्राइटनेस वगैरह मिला देता हूँ ये पहले ड्रेस. ये ऊपर में थोड़ा सा बाल देखिए यहाँ पर, इसमें इरेज थोड़े से हटा सकता हूँ. देखिए हट चुका है इतने बढ़िया तरीके से. सो मैं इसे अभी सेव कर रहा हूँ. तो परफेक्ट तरीके से मेरा ये फोटो का बैकग्राउंड जो है चेंज हो चुका है गाइस. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी बैकग्राउंड कुछ इसी तरीके से चेंज करे फोटो का, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना.